Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 10 English and today I'm going to explain a chapter from your book. So I would like you to open your books to page number 15. This is chapter number 5, A Visit. Now I'm not going to read the entire chapter. What I'm going to do is explain this chapter paragraph by paragraph, and you are going to read it at home by yourself. So let's start. In the first paragraph, a bit of a background is being given what this chapter is about. ये इसमें जो है फर्स्ट पैराग्राफ में मिस्टर अहमद की क्लास है जो कि पिकनिक की प्लानिंग कर रही थी. उन्हें हेड मास्टर से जो है वो परमिशन मिल गई और एक दिन की परमिशन उनको मिली. स्कूल बस से वो जाना था उन्हें और मिस्टर अहमद ने अरेंजमेंट की विजिट टू अ मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म बाय कॉन्टेक्टिंग मिस्टर हसान हु वाज द मैनेजर ऑफ द फार्म. ठीक है. अच्छा, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सेकेंड पैराग्राफ, this is what happened when they first reached the model agricultural farm. अब अप्रैल का जो है बड़ा एक खुशगवार दिन था और जो है वहाँ पर मिस्टर हसान ने जो है वो गेट पे मॉडल एग्रीकल्चर फार्म के गेट पे उनको रिसीव किया इनकी क्लास को मिस्टर अहमद की. और वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उन दिनों वीट हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा था, यानी गंदम का काश्त का सीज़न चल रहा था. तो उन्होंने वहाँ पर मशीन्स को काम करते देखा फील्ड में और एक जो मशीन उन्होंने काम करते हुए देखी बस कंबाइन. ठीक है, उस मशीन का नाम था कंबाइन. वीट फील्ड में क्या काम कर रही थी वो जो है बड़े से एक जो है आप कह लें टुकड़े को, जहाँ पे ये फसल के एक बड़े से टुकड़े को जो है वो काट के जो है वो क्रॉप्स को बंडल्स में ये शीव्स में जो है वो बांध कर पीछे गिरा रही थी. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से कंबाइन के बाद जो है ये जो शीव्स थी इसके आपके वीट की जो बंडल्स थे इनको ले जाया गया थ्रेशर तक, थ्रेशिंग की गई. थ्रेशिंग में क्या है, थ्रेशर क्या काम करता है, थ्रेशर जो है वो सेपरेट करता है ग्रेन को फ्रॉम द शाफ. अब शाफ जो है वो हस्क आप कह लें, भूसी या जो छिलका होता है अनाज का उस कह लें. तो अब मशीन में जब उन्होंने ये डाले वीट तो क्या हुआ कि फ्रॉम वन पार्ट केम फेल गोल्डन ग्रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट. बड़ी जो है वो अच्छी सी खुशबू वाली जो है वो सुनहरे रंग की ये जो गंदम थी वो एक तरफ से निकल रही थी और दूसरी तरफ से उसका शाफ यानी कि उसका छिलका जो है वो निकल रहा था. बच्चों ने ये बड़े इंटरेस्ट के साथ चीज़ देखी. अब मिस्टर हसान ने बताया कि किस तरीके से इस फार्म में जो है हमारे यहाँ काम होता है. तो उन्होंने बताया कि जो तमाम जो एक कंप्लीट प्रोसेस है ऑफ प्लॉइंग यानी कि जो है हल चलाने का, ऑफ सीडिंग बीज बोने का, हार्वेस्टिंग कास्ट करने का एंड थ्रेशिंग अनाज को जो है वो उसके छिलके से अलग करने का, ये तमाम जो प्रोसेस है ये जो है वो मशीन के ज़रिए किया जाता है. अच्छा, अब मशीन के ज़रिए किया जाता है तो उन्होंने उसके फ़वाद भी बताया कि जो है वन मैन वर्किंग विद मशीन्स कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट मशीन्स. ठीक है, तो मतलब एक आदमी मशीन पे काम करते हुए इतना ही काम कर लेता है जितने 100 आदमी मिलकर काम करेंगे बिना मशीन के मदद के. तो अब बिलाल ने जो है वो एक इंटेलिजेंट सवाल कर लिया है कि इस तरीके से क्या आपको बड़ी फसल मिलती है, डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे. तो मिस्टर हसान ने जो है वो जवाब दिया है वो मच बिगर यानी कि बहुत बड़ी होती है. तो उन्होंने एवरेज फार्म कंपेयर किया अपने फार्म से, एवरेज फार्म की प्रोड्यूस को यानी उसकी पैदावार को और अपने फार्म की पैदावार को उन्होंने कंपेयर किया है. तो कंपेरिजन में उन्होंने बताया है कि एक आम जो एक एवरेज फार्म है वो औसतन 15-20 क्विंटल्स ऑफ वीट एवरी हेक्टर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब ये जो क्विंटल और हेक्टर हैं, ये क्विंटल जो है वो आप कह लें वजन नापने का है, इसमें ये एक क्विंटल 100 किलोग्राम्स का होता है. तो और हेक्टर जो है वो एक ज़मीन की पैमाइश का जो है वो यूनिट है. हेक्टर आप यानी 2.5 एकड़ के करीब होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.4 समथिंग एकड़, यानी लगभग 2.5 एकड़ के करीब होता है. तो बता रहे हैं कि हर हेक्टर पे एक आम जो फार्म होता है वो 15-20 क्विंटल जो वीट प्रोड्यूस करता है, जबकि इनका जो फार्म है मॉडल एग्रीकल्चर फार्म इट प्रोड्यूसेस अ लॉट मोर, इट्स लाइक 3 टाइम्स मोर देन दैट. तो 3 से 4 गुना ज़्यादा इनकी प्रोड्यूस है और प्रोड्यूस क्या है इनकी 60-70 क्विंटल्स ऑफ वीट.
अब बिलाल साहब ने कहा कि जो है वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन जाहिर सी बात है मशीन तो नहीं बनाती होगी अनाज को। तो मिस्टर हसन वाइल लाफिंग सेड, मिस्टर हसन ने हंसते हुए उनका जवाब दिया है कि जो है पूरा प्रोसेस वो बता रहे हैं क्या होता है कि पहले ट्रैक्टर्स नाम की एक मशीन से जो है वो ट्रैक्टर्स नाम का एक व्हीकल है, उसके पीछे मशीन प्लाव लगा होता है, उसमें वो प्लाउंग करते हैं यानी कि हल चलाते हैं ज़मीन पे। फिर उसके बाद जो सोइंग मशीन होती है वो सीड्स को जो है वो सो करती है। सोइंग मशीन मतलब बीज बोने वाली मशीन, और ये बहुत तेज़ी से बीज बोती है। और दूसरा फ़ायदा इस पर क्या है कि जो है ये मशीन सीड्स को वेस्ट भी नहीं करती है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये बेस्ट सीड्स जो होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को, मिट्टी को और ज़रखेज़ बनाने के लिए। फिर इनके पास कैनाल वाटर के अलावा जो है वो अपना ट्यूबवेल भी है, जिससे सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो प्लेंटीफुल है थ्रू आउट द ईयर। फिर इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि जब फसल खड़ी हो जाती है तो देन दे यूज़ इंसेक्टिसाइड्स टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, सो दे प्रोड्यूस 4 to 3 times मोर देन एन एवरेज फार्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जो है सरोज जो कि एक अनदर स्टूडेंट है, उन्होंने पूछ लिया है कि जो है क्या खाली वीट ग्रो की जाती है। मिस्टर हसन ने उनको बताया कि वो और क्या क्या ग्रो करते हैं वीट के अलावा, उसमें मेज़ है। नाउ मेज़ एंड कॉर्न आर द सेम थिंग, दे वन एंड द सेम थिंग। ये मकई को कहते हैं मेज़, कॉटन कपास रुई जिससे हमें मिलती है, शुगर केन गन्ना एंड ग्राम चना, ये सारी चीज़ें उगाते हैं। इसके अलावा दे ग्रो फ्यू वेजिटेबल्स एंड दे हैव लार्ज ऑर्चर्ड्स ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंजेस, इनके पास जो है वो बड़े बागात हैं आम के और ऑरेंजेस के। ठीक है, तो अब इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वो वेजिटेबल फार्म की तरफ ले जाए गए हैं जो क्लास है उसको। मिस्टर हसन ने उनको दिखाया कि उनके वेजिटेबल फार्म में जो है किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइज़र्स और प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर मशीनरी की मदद से ऐसे वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जा रहे थे लार्ज क्वांटिटीज़ में जो कि आउट ऑफ सीज़न थे। तो बच्चे जो है वो काफ़ी सरप्राइज थे इस चीज़ को देख के कि आउट ऑफ सीज़न भी क्रॉप्स वो सॉरी वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो है उनको टमाटर्स और क्यूकम्बर्स दिए गए जो कि उन्होंने रनिंग वाटर से वॉश करके खाए एंड बड़ी खुशी से खाए उन्होंने डिलाइटफुली। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ उनको जो है वो दोपहर में लंच कराया गया जो कि मोस्टली जो प्रोड्यूस थी फार्म की उसी से जो है बनाया गया था। फिर उनको जो है वो फ्रूट फार्म्स वगैरह दिखाए गए, इनके जो ऑर्चर्ड्स थे वहाँ पे ले जाया गया और देखा गया कि दिखाया गया कि किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें बिल्कुल जगह को बिल्कुल साफ रखा हुआ है, वीड और वाइल्ड ग्रास वगैरह नहीं उगती है उसकी कोशिश करते हैं वो। और उन्होंने लाइम से वॉश किया हुआ है दरख्तों को ताकि जो है उनके कोई कीड़े मकोड़े या कोई इस किस्म की बीमारी उनको ना लगे। फिर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ मिस्टर हसन ने जो है उनको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि इसी मॉडल फार्म का हिस्सा था कि उसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो वो उनका उन्होंने थोड़ा सा प्रेमिस दिया है कि किस तरीके से वो काउज और बेहतरीन काउज और बफलोज का इस्तेमाल करेंगे और जो है वो इलेक्ट्रिक मिल्कर्स का इस्तेमाल करेंगे काउज को मिल्क करने के लिए, और मॉडर्न मशीनरी जो है वो उसी मिल्क से क्रीम और बटर बनाएगी और प्रिजर्व करेगी महफूज करेगी मिल्क को। और उन्होंने प्रॉमिस किया मिस्टर अहमद से कि उनकी क्लास को मिस्टर अहमद को वो इनवाइट करेंगे जब उनका डेयरी फार्म अप एंड रनिंग हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जाने का वक्त हो गया है तो अब ये वापसी की तरफ जा रहे हैं। वापसी जाते हुए बिलाल ने कहा कि जो है हमें ऐसे और फार्म्स जो है थ्रू आउट द कंट्री इस्टेब्लिश करने चाहिए कायम करने चाहिए, और मिस्टर अहमद ने उनसे इत्तेफाक़ किया है एग्री किया है और कहा है कि भाई इससे जो है वो हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसके मसाइल हल हो जाएंगे, हम उनकी डिमांड्स को फूड डिमांड्स को हम जो है वो कंज्यूमर डिमांड्स को हम मीट कर सकेंगे। सो दिस वाज योर चैप्टर अबाउट अ विजिट, आई वांट यू टू रीड दिस चैप्टर एंड देन वॉच दिस वीडियो अलॉन्ग विद इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पैराग्राफ्स ईजीली। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन ask us and you can contact us through our WhatsApp number and until next time Allah Hafiz.